अब बात यूपी में अवैध घुसपैठ की। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए राज्य के लिए खतरा बने हुए हैं। इनकी वजह से यूपी के चुनावों पर भी असर पड़ने की आशंका है। यूपी में बढ़ता जा रहा है रोहिंग्या घुसपैठियों का जाल। कई जिलों में अवैध रूप से रह रहे हैं रोहिंग्या। घुसपैठियों से है सुरक्षा को खतरा। यूपी में रोहिंग्या और अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों की तादाद कितनी है, यूपी के लिए ये कितना बड़ा खतरा है। देशी नागरिकों के तथा बांग्लादेशियों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका कारण ये है कि ये लोग अवैध तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर से या म्यांमार बॉर्डर से यहाँ एंटर करते हैं इस कंट्री में, और पिछले कुछ दिनों में एटीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने लगभग ऐसे 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। अवैध रूप से विदेशियों का रहना किसी भी प्रदेश में या देश में उचित नहीं है। प्रदेश के आला पुलिस अधिकारियों का बयान चिंता बढ़ाने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी की राजधानी लखनऊ में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों की बड़ी संख्या हो सकती है। इनमें से कुछ के पास तो डॉक्यूमेंट होने का भी दावा किया जाता है। न्यूज नेशन लखनऊ में ऐसी ही बस्ती में पहुंचा जहां बड़ी तादाद में घुसपैठियों के होने का दावा किया जाता है। बाहर का व्यक्ति जो इस एरिया में कभी देखा नहीं गया और आके रहने लगे, तो यहाँ के लोगों के लिए भी एक बड़ा सवाल हो जाएगा कि ये बाहरी व्यक्ति कौन है। हालांकि इस मोहल्ले के तमाम लोग इस बात से इनकार कर रहे हैं कि इन्होंने नूर आलम को कभी देखा, लेकिन नूर आलम को इसी दरबार मोहल्ले का पता और नाम कैसे याद रहा, ये अपने आप में सवाल है जिसकी छानबीन एटीएस कर रही है। घुसपैठिए बिचौलियों के जरिए यूपी में आते हैं। एक बड़े प्लान के तहत इन्हें बसाया जाता है। इनके रहने, खाने और काम दिलाने का इंतजाम किया जाता है। ये लोग फर्जी पते का इस्तेमाल करते हैं। पिछले दिनों यूपी एटीएस ने 2 रोहिंग्या युवकों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक नूर आलम ने मेरठ के मोहल्ला दरबार पते का इस्तेमाल किया था। न्यूज नेशन उस मोहल्ले में पहुंचा जिस पते का नूर आलम ने इस्तेमाल किया था। मोहल्ले में किसी ने भी नूर आलम को पहचानने से इनकार कर दिया। समस्या बड़ी है, जाल गहरा होता जा रहा है। पूरे मामले में न्यूज नेशन ने यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से भी बात की। रोहिंग्या जो है यूपी विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, आपको लगता है कि सर कहते हैं कि नहीं? देखिए, जो भी होएगा सरकार सच में सरकार उसका विरोध करेगी, उसको दंड देगी। कहीं ऐसी घटना आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। संकट बड़ा है, यूपी चुनाव में गड़बड़ी का अलर्ट। यूपी में सुरक्षा बल सतर्क है। रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों के नेटवर्क को तोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ अभिषेक शर्मा, न्यूज नेशन, मेरठ।